मैं गया ही नहीं कभी, पर लोग इतने मोहब्बत से मिलते हैं जहां भी आप जाते हैं, रेडियो स्टेशन, टीवी, अखबार वाले, स्टूडेंट्स जो आज के स्टूडेंट्स है वो प्यार से मिलते हैं। तो मैंने कहा कि ये ऊपर वाले की देन है कि क्योंकि इनटॉलरेंस कहीं नहीं है, इनटॉलरेंस नहीं है, प्यार है, प्यार प्यार से प्यार। तो पाकिस्तान में इस तरह आपको बताऊँ कि जिसने ये फिल्में आपकी बजरंगी भाईजान सुपरहिट फिल्म है, मस्तानी बाजीराव मस्तानी सुपरहिट फिल्म है, लोग इश्क करते हैं इंडियन फिल्म से वहाँ, और जो मैं समझता हूँ जो तासर अखबारों में दिया जाता है कि पता नहीं उधर क्या, उधर बहुत प्यार है, जिस तरह यहाँ कल्चर में प्यार है इस तरह वहाँ भी प्यार है। मेरी अभी जो दिल्ली में महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट के लिए 15 फरवरी को एक परफॉर्मेंस है IIC में जो है, और वो पैगाम यही है कि अमन और दोस्ती के लिए तालीम चाहिए, ठीक है, और इसको आर्टिस्ट ही फैला सकते हैं क्योंकि दिलों को जोड़ने वाले लोग जो है वो आर्टिस्ट हैं। तो दोनों देशों को अपने फनकारों कलाकारों को इजाजत देनी चाहिए कि वो फ्रीली परफॉर्म कर दें। जुनू का मतलब मेरे नजर में है कि अंथक मेहनत, एक्सेलेंस की अचीवमेंट, और मैं बड़ी खुश हूँ कि मैं सूरत आया हूँ, मुझे बहुत अच्छे लोग लगे यहाँ। रात फैकल्टी और स्टूडेंट जो थे इंटरनेशनल बैरिंग स्कूल के, उन्होंने एक स्किट शो की जिसमें इंडिया पाकिस्तान अमन के बारे में उन्होंने बच्चों ने वो किया, वो दिल को जाके लगा कि देखिए आजकल की जो पीढ़ी है, न्यू जनरेशन है, ये आगे की सोच रही है,